और एक बड़ी खबर का रुख पहले करते हैं। पंचकुला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा पुलिस भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। जी हां, एचएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा था पुलिस का, उसमें रिटन परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा देने कोई और पहुंचा और फिजिकल टेस्ट में कोई और पहुंचा। बड़ी हेराफेरी इस बीच ये सामने निकल कर आई है। कुल मिलाकर 102 उम्मीदवारों को अभी तक पकड़ा जा चुका है जो इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में अलग अलग उम्मीदवारों के नामों की सूची जो है वो बरामद की गई है। रिटन एग्जाम देने के लिए कोई और पहुंचा और फिजिकल एग्जाम देने के लिए कोई और पहुंचा। ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो निकलकर सामने आया है। अभी तक 102 उम्मीदवारों का उनकी धरपकड़ जो है वो अभी तक की जा चुकी है, उनकी पहचान की जा चुकी है। तो आपको बताएं, एचएससी में ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो निकलकर सामने आया है जहां लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में हेराफेरी की जानकारियां सामने आई हैं। भर्ती में कुल मिलाकर अभी तक 102 फर्जी उम्मीदवार पकड़े जा चुके हैं। आपको बताएं, हरियाणा पुलिस में भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं जिसे एचएससी कंडक्ट करता है और लिखित परीक्षा जब हुई उसके बाद फिजिकल परीक्षा हुई जिसमें शारीरिक क्षमताओं को मापा जाता है और जब वहां पर छानबीन की गई तो 102 उम्मीदवार अभी तक पकड़े जा चुके हैं जो कि फर्जी उम्मीदवार हैं। आपको बताएं, इस फर्जीवाड़े में कुल मिलाकर 102 उम्मीदवारों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और छानबीन लगातार अभी चल रही है। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरी जानकारियां। आवाज पहुंच रही है आप तक रवि? चलिए, नेटवर्क इश्यू है, एक बार दोबारा से रवि से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बताएं, ये लाखों रुपए का घोटाला जो है वो सामने आया है। अब प्रश्न यहां ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस विभाग के भी बड़े अधिकारियों के नाक तले अगर ये सब कुछ चल रहा था तो क्या वो इसे अवगत थे, और अगर थे तो ये एक भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मामला है फर्जीवाड़े के साथ साथ। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात और जांच की जा रही है।